तो यहाँ पर हमने अच्छे से करेले की सब्जी छौंक लिया है। प्याज, जीरा, मिर्ची नहीं डालते हैं हम लोग करेले में। तो यहाँ पर ऐसे करेले की भुजिया सिंपल बना रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ नमक डालेंगे, प्याज, जीरा इतना ही डालते हैं और अच्छे से भून लेंगे। स्वाद अनुसार यहाँ पर हमने नमक ऐड कर दिया है। तो करेले की भुजिया, पता है, कुहू को कभी कभी बहुत पसंद आती है। वो तो चावल और करेले की भुजिया खाती है, उसको पसंद है। अच्छा, ये जो उसको पसंद आता है। तो यहाँ पर करेले की भुजिया हमारी बन करके रेडी हो गई है। और साथ में ही बना लेंगे कुंदरू की सब्जी। तो चलिए पहले कुंदरू, अब सब्जी तो हमारी बन गई, कुंदरू की सब्जी छौंक लेते हैं। यहाँ पर हमने तेल ले लिया, जीरा डाल दिया और यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची। डालने के बाद छौंक लेंगे। जब सब्जी हमारी अच्छे से लहसुन वगैरह पक जाएंगे तो सब्जी को हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद में तो यहाँ पर हमने कटे हुए जो हमारे पास कुंदरू रखे हुए थे उनको हमने भूना है। और भूनने के बाद अब हमारे पास सब्जियाँ होंगी, जो दो चार सब्जियाँ हैं वही भूनना है। तो यहाँ पर ऐड कर दिया है और इसके बाद में इसको ढक करके सीख थोड़ी देर के लिए। फिर थोड़ी देर को मैंने खोल तो सब्जी सॉफ्ट हो गई थी। अभी भी इसको 2-3 मिनट के लिए और सीजने के लिए छोड़ेंगे। देन इसमें डाल देंगे अपने बेसिक मसाले, जो हमेशा हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला जो थोड़ा बहुत डालते हैं वही डालेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद हमारी सब्जी भी बन करके तैयार हो गई है। तो बच्चों को यही खिलाऊंगी और उसके पहले मैं जा रही हूँ बच्चों को एप्पल रखा तो मेरा यहाँ पर बन गया। जा रही बच्चों को जा करके एप्पल काट करके दूंगी। सब्जियाँ मेरी दोनों बन करके रेडी हो गई हैं। थोड़ी सी दाल है जो दोपहर की है। चलो एप्पल पहले काटती हूँ, उसके बाद में चल के बच्चों को देती हूँ। जाकर पहले इसको फिर से धुलेंगे। इधर वैसे मुझे सेब चाहिए था। चाहिए? चलो आ, दीदी को बुलाओ। तो चलो मैं बच्चों को सेब दे करके आती हूँ और इसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद उनको खाना दूंगी। तो चलिए चलते हैं। ये देखो, ये दोनों निकल गए इधर उधर। लोग आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बहुत बहुत खुश रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नहाने की तैयारी कर लिया है और बाकी की आज हम नए सरप्राइज बताने वाले हैं। फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है मेरी डेली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक चीज़ मन कर रहा है दिखाऊँ कि ना दिखाऊँ, मैं डेली पोहा बना रही थी 4 दिन से। तो चलो फिर से बनाई हूँ पोहा। तो अभी नाश्ते कुकू के पापा को दे दिया। चावल हमारा पक रहा है और दाल, आज ये दाल पता है हमने कौन सी बनाई है? ऐसे बता देती हूँ सिंपल, मूँग की दाल, तुअर दाल। हमने मूंग दाल जो बिना छिलके वाली, इसमें छिलका नहीं होता, उस दाल को और तुअर दाल के साथ में बनाया हुआ है। गजब की लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो बस इसमें तड़का मारना बाकी है। तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया हुआ है, तो खा करके देखती हूँ। किसी ने बोला था बना करके देखो, बहुत अच्छी होती, क्योंकि तुअर दाल में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, गैस ज़्यादा बनाती है, ऐसा होता है। तो फिलहाल तो मैं दालों को, आप सब लोग देखते हैं कि मैं दालों को भिगो करके ही बनाती हूँ। तो फिर भी आज मैंने मूंग दाल, तुअर दाल बना करके देखा हुआ कैसी बनती है। लोगों को एक चीज़ बताऊँ, बहुत बरसों बाद पता है यहाँ ससुराल में मेरे एक टाइम दाल ही बनती है। हाँ, एक टाइम दाल ही बनती है। तब से मेरी तो शादी को 14 साल हो रहे हैं, तब से मैं देख रही हूँ कि एक टाइम दाल ही बनती है। हाँ, कभी ना बने एक अलग बात है, लेकिन वैसे तो एक दाल ही बनती है एक टाइम। अच्छा, हमने अपने मायके में नहीं देखा, सब्जी दाल भी बनती थी लेकिन मोस्टली सब्जी ज़्यादा बनती थी। तो यहाँ तो दाल बनेगी, तो वही रूल मेरे यहाँ भी है, दाल बनी, ये दाल, वो दाल, फलाने दाल, टिमाके दाल, कद्दू दाल, लौकी दाल, भिंडी दाल, एक टाइम दाल बनेगी, मुझे ये पता है। तो चलो फ्रेंड्स, नाश्ता कर लूँ, मेरा पोहा ठंडा हो रहा है। तो आइए आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता करिए, पोहा का नाश्ता। तो नाश्ता करते हैं, इसके बाद में मिलते हैं। खाना तो मेरा बन ही गया, दाल चावल बन गया है, करेले भुजिया बने, कल रात में बनाई हुई थी। और इसके बाद में तो बस रोटी सेकूँगी और चावल मेरा पका जा रहा है, तब तक मैं नाश्ता करके आती हूँ। ओके, आ जाइए नाश्ता करते। तो आज मेरी फिर से ड्यूटी लग गई है बच्चों को लाने की। तो खाना मेरा बन गया है और चाय, नाश्ता, खाना, काम वगैरह तो सब आप लोग देख ही रहेंगे, सब पूरा रेडी हो गया है और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेकर के आऊँगी। तो आज मेरी ड्यूटी है, आज फिर से लगी हुई मेरी ड्यूटी। तो मैं जा कर के बच्चों को लेकर के आऊँगी और एग्जिट टाइम हो गया है छुट्टी का। तो अब मैं जा रही हूँ
और नहीं वही डायलॉग, बच्चे मेरा इंतज़ार करेंगे। तो चलो मैं अपने बच्चों को लेकर के आती हूँ, कहूँ मम्मी इतना देर से आई हो, मम्मी इतना देर से आई हो, नखरे होते रास्ते ही में दोनों के, चलते लेके आते। इन लोगों को लेके, और ये रही कुहू, कैसा लग रहा है बेटा? क्या ऐसा लग रहा है, ऐसा पसीने पसीने, बच्चा मेरा फसड़ गया है सही। बहुत गर्म है, चलो पानी वानी पीते। आने के बाद में परसों कपड़े धुले हुए थे, ये देखो ढेर लगा है। तो अब मैं जल्दी से क्या करूँगी, इनको तह लगाऊंगी, और तह लगाने के बाद इनको प्रेस वाले अलग रखेंगे, बेडशीट अलग रखेंगे, बस मेरा काम चालू। एक काम रहता नहीं, दूसरा चालू हो जाता है, एक ख़त्म नहीं होता दूसरा चालू हो जाता है। तो चलो पहले मैं कपड़ों को लगा लेती हूँ। तो दाल में हम लगा देंगे तड़का, जीरा, मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, हींग, ये हमने लगा दिया तड़का, और मस्त अपनी दाल तड़के वाली हो गई। तो चलो बच्चों को खाना देंगे, और बहुत हो आज की दाल भी लंच कर लीजिए मेरे साथ में। तो यहाँ पर हमने अरहर और मूंग की दाल बनाई हुई, बहुत टेस्टी अभी दिख रही है, लेकिन खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी उम्मीद है। तो यहाँ पर रोटी, कुंदरू की सब्ज़ी, तो आप लोग भी आइए मेरे साथ लंच कर लीजिए, और आप लोग भी बताइए कैसी बनी हुई, तो आप लोग भी बना करके ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर आप लोगों से मिलती हूँ, और जा कर के अभी लंच करूँगी बच्चों के साथ में, और इसके बाद अपने और भी काम निपटाने के बाद फिर मैं डायरेक्ट आप लोगों से मिलती हूँ। देखती हूँ अंदर का नज़ारा क्या हो रखा है। तो बच्चे अंदर हैं, खाने के बाद में आज मैं बिल्कुल भी आराम हमने नहीं किया, और पहले थोड़े घर के काम निपटाए, बर्तन वर्तन धुले, इसके बाद में फिर बच्चों को थोड़ा काम कराया, उसके बाद में फिर करीब 5:30 बजे से मैं छत पे चली गई थी। सारी की सारी क्यारी एकदम क्लीन हो गई, सिर्फ एक सबसे बड़ी वाली क्यारी रह गई है, और जो मैंने कूड़े इकट्ठे किए हैं वो रह गए हैं, तो उनको जाकर के बस मैंने कहा था 2 दिन लगेगा, तो उसको जाकर के कल साफ करेंगे। और इसके बाद अब जब मैं छत में आपको मतलब दिखाऊंगी, तो एकदम जब आपको एकदम नीट एंड क्लीन तभी छत पे ले जाके दिखाऊंगी। तो फिर वहाँ से आने के बाद हाथ मुँह धुले, थोड़ा सा आराम किया, आराम करने मतलब ऊपर काम करने में बहुत तेज़ गर्म लगती है, तो वहाँ से नीचे आई, और नीचे आने के बाद मैं हाथ मुँह धुल के थोड़ी देर रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद तब तक कुहू के पापा आ गए, वो पता है क्या लेकर के आए, अभी आपको दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये अभी बनने वाली है भिंडी की सब्जी। दिन में हमने बनाई थी तुअर दाल और मूंग दाल, और हाँ मैं बताने वाली थी कि मूंग दाल, सच में मूंग दाल तुअर दाल के साथ मिला के बनाओ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। और पता है वहाँ से आने के बाद फिर हमने बाल खोल, इस समय बज रहा है 7:30 बज रहा है, और अब मैं खाना बनाऊँगी। और एक चीज़ कुहू के पापा लेकर के आए हुए, वो बताने वाले थे, तो मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी काफ़ी टाइम से, तो कुहू के पापा, और मेरे पास सिल जो थी वो बहुत दिन हो गए थे, मतलब सिल मेरे पास थी तो पीसने वाला बचा हुआ था, जो सिल थी वो मुझसे ही थोड़ा स्लिप हो गया, तो उसका कोना टूट गया था। तो कहते हैं कि अगर टूटी हो तो टूटी हुई सिल मतलब घर में नहीं रखी जाती है, और उसी के सिल के बराबर का कुछ अनाज वगैरह क्या बोलते हैं कि तोल करके उसको दान कर देना चाहिए। तो ये हमने मम्मी लोगों में देखा हुआ है, मम्मी लोगों को करते हुए, तो उस सिल को हमने क्या किया था, जब मुझसे ही टूट गई थी तो मैंने उसके बराबर में गेहूँ तोल करके दान कर दिया था, सिल भी गंगा में डलवा दिया था, तो ऐसा हमारे यहाँ मानते हैं, तो वो हमने किया हुआ था। और आज हमारे घर नई सिल आ गई है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वाइट पत्थर की आई हुई है, और गुरु के पापा लेकर के आए हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। पता है कभी कभी लगता था ना कि सिल का कुछ काम करो, सिल मिक्सी तो अपने पास है लेकिन इस समय ख़राब हो रखी है। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं,
ये देखो। तो इसको अभी पता है इसमें अभी बहुत काम करने होंगे, अभी इसमें कई चीज़ें रख करके पीसेंगे, ज़्यादा बैग का मिरायर करके दिखाऊँ। ये आ गई है अपनी सिल, बहुत हैवी है यार। तो ये इसका पत्थर है, तो अभी इसमें तो टाइम लगेगा पीसने में, अरे मतलब इसमें तो अभी कुछ पीसा जाएगा, अरे तो खिस खिस आएगा ना पत्थर जब घिसता है तो मेरे को बहुत दिन से मैं कह रही थी, और पता है 3-4 साल से ज़्यादा से हो गए मेरे पास सिल थी वो टूटने की वजह से, इसके बाद से फिर ला नहीं पाई, तभी तो मैंने इसको बाहर ही रखा हुआ है। और ये हो गई देसी मिक्सी है, हमारी देसी मिक्सी घर में आ गई है, और बस बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले इसमें मैं आटे की भूसी या आलू पीस कुछ पीसूँगी, पानी में अच्छे से धुलूँगी, अभी 2-4 बारी तो इसमें कुछ खाने लायक हो रहेगा नहीं कि फिक्स खिस आएगा। और इसमें क्या पीसना चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि इसमें और क्या पीस सकते हैं जिसमें कि ये खिस खिस आए नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करना। और चलते हैं किचन की तरफ खाना बना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैन चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला हुआ है, प्याज मिर्ची डालेंगे और चला लेंगे। तो आज हमने सोचा भिंडी थोड़ी सी, तो इसमें इसी में पका लेती हूँ, और इसके बाद भिंडी डाल देंगे, जैसे हल्का सा प्याज गुलाबी होता है डाल दूँगे भिंडी, भिंडी डालेंगे बाद थोड़ी देर इसको चलाऊँगी, फिर इसमें थोड़े थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया भिंडी, भिंडी डालने के बाद इसको ढक करके 2 मिनट के लिए चलाएँगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहाँ से यहीं पर एंड करूँगी। तो फ्रेंड्स जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट बाद हमने इसमें ऐड कर दिया हल्दी धनिया और थोड़ी सी मिर्च, गरम मसाला नहीं डाला हुआ है, और ये जो मसाले हैं ये ऑप्शनल, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। तो चलो फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें अपनी फैमिली।